एक ऐसे वक्त में जब कथित तौर पर अवैध तरीके से प्यार की खातिर भारत आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर काफी चर्चा में है, कुछ हद तक इसी से मिलता जुलता एक और केस सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंजू नाम की एक शादीशुदा भारतीय महिला अपने कथित प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। राजस्थान में अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली अंजू की कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक सुर्खियों में है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अंजू की मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति नसरुल्ला से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और फिर उसे उससे प्यार हो गया। बताया गया कि इसके बाद अंजू नसरुल्ला से मिलने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले में पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय महिला शुरू में पुलिस की कस्टडी में थी, लेकिन पुलिस की ओर से उसके यात्रा दस्तावेजों का सत्यापन किए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट में नसरुल्ला के हवाले से बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में वो और अंजू मंगनी कर लेंगे। इसके बाद अंजू का भारत लौटकर दोबारा शादी के लिए पाकिस्तान आने का प्लान है। इस बीच पाकिस्तान से अंजू का भी एक बयान सामने आया है। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई दो दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस दो तीन दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। इस बीच अंजू के पति अरविंद का बयान भी सामने आया है। मैं सर यूपी से। शादी कब हुई है? शादी 2007 में हुई, 3 जनवरी। और भिवाड़ी कब आए हो? भिवाड़ी तो 2005 है। आपको कभी से रह रही पत्नी साथ? 2007 से ही रह रहा। बच्चे कितने हैं? 2 है सर। आपको कभी इस तरह की जानकारी मिली कि किसी से बात करती है सोशल मीडिया पे, या किसी पाकिस्तान के व्यक्ति से अटैच्ड है, किसी बातचीत होते संबंध संपर्क में है? ना, ऐसा तो कोई मेरे से बात नहीं। तो अभी आपको जानकारी मिली तो क्या जानकारी मिली? जैसे आप फोन लगा रहे थे, फोन पे क्या बताया आपकी पत्नी ने? आपकी मिसेज ने फोन बोली थी कि लाहौर में गई हूं, सबको बता दिया। अच्छा, तो आपने जब लाहौर का नाम लिया तो आपने ये नहीं पूछा कब आओगे? तो लाहौर कैसे? 2-3 दिन के लिए कह रही थी, 2-3 दिन में आ जाओ। ये पता है आपको उसने वीजा पासपोर्ट बनवाए थे? हाँ, पासपोर्ट तो पता है। अच्छा, पर ये पता कि नहीं पाकिस्तान जा रही हूँ? ना, ये नहीं पता। अच्छा, उम्र कितनी है मैडम की? करीब 35-36 की। नाम क्या है पूरा? अंजू। पूरी कहाँ की रहने वाली? उत्तर प्रदेश में। वो एमपी की रहने वाली है। कहाँ की? टेकनपुर। कैसे शादी कैसे हो गई अपनी? हमारा शादी तो यहीं हुआ। कैसे संपर्क हुआ था आपका? हमारा एक चर्च के पास्टर है, उन्होंने करा। आप क्रिश्चियन है? हाँ सर, क्रिश्चियन है। हाँ, पहले से क्रिश्चियन है, बाद में बने? नहीं, वहाँ तो शुरू से ही। और वो हिंदू है? वो हिंदू थे, बाद में क्रिश्चियन। वो बाद में क्रिश्चियन बने। आपकी मिसेज जब यहाँ से घर से गई थी तो क्या बोल करके गई थी? मैं तो घूमने के लिए जा रही थी। कहाँ घूमना बताया था? ये मेरी बात हुई थी, कहाँ जाना करी जयपुर जी। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब आप क्या पैरवी करेंगे? आप क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई तो क्या कह रही हूँ? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगे? आ जाएगी सर। बात सीमा हैदर केस की करें तो सीमा का कहना है कि एक ऑनलाइन गेम के जरिए उसकी भारत के सचिन मीणा से दोस्ती हुई थी जो प्यार में बदल गई। कुछ वक्त पहले सीमा 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई थी। इसके बाद जब इस बात की भनक पुलिस को लगी तो सीमा और उसके प्रेमी को गिरफ्तार भी किया गया था। फिर इन दोनों को एक अदालत ने जमानत दे दी। हाल ही में यूपी एटीएस ने सीमा से लंबी पूछताछ की है। तब सीमा के साथ साथ अंजू का मामला भी चर्चा में है। इन दोनों ही मामलों में आगे क्या होगा, लोगों की निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं।